ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਨੀਯ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਸਿੱਧੂ ਮਹੋਦਯ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਥੇ, ਠੀਕ ਨਾ। 18 तारीख से यहाँ पर हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस लिए आए थे आप? नोटिस तामना कराने के लिए आए थे। किसके विरुद्ध? माननीय मंत्री महोदय जी हैं, मैं नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के भी हैं, ठीक ना। तो क्या उल्लंघन क्या की थी, क्या वहाँ पर था? वो गए थे इलेक्शन के समय में जी, 2019 में जी, कटिहार जिला अंतर्गत बरसोई थाना जी। कुछ अपना भाषण में कुछ सप्रिय बात बोले विपक्षी को, जिसको अच्छा नहीं लगा केस कर किया, उसी केस के आरोप में पर नोटिस तामना के आदेश हुआ। तो 7 दिन से आप लोग यहाँ पर थे, आपसे मिले नहीं क्या नवजोत सिंह से? वो तो उनका मिलना तो खैर अलग की बात है, इनके जो पीए लोग हैं इतना ना है, हाई फाई में है कि बोलते भी नहीं है, फोन रिसीव नहीं करते हैं। तो आपके द्वारा अब नोटिस लगा के क्या किया जा रहा है? नोटिस का क्या है, क्यों रह गए यहाँ? नोटिस लगा दिए, आप सूचना दे दिए, प्रूफ हो गया कि हाँ गए थे वहाँ पर, नोटिस तमना नहीं हुआ, उसके दरवाजे पर सटाट दिया गया है। अब ऐसा आगे का आदेश होगा वरीय पदाधिकारी का, वैसा किया जाएगा। सर अगर ये नहीं, जैसे नोटिस पर भी नहीं पहुँचते तो क्या कार्रवाई क्या हो सकती है? अब जैसे कोर्ट का आदेश होगा वो होगा, तो अब कोर्ट में केस चलेगा सर? तब कोर्ट का आदेश तो है ही ना, है कोर्टे का आदेश से आए थे, फिर जाएंगे, फिर जैसा लिख करके दिया जाएगा फिर अगला कोई आएगा। ये पहले जमानत पे थे वहाँ से? नहीं नहीं, अभी तो फर्स्ट बार जिक्र योग्य कि साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ते 2019 दियां लोकसभा चोणां दौरान विवादपूर्ण भाषण देने दे दोष च कटिहार दे वरसोई च मामला दर्ज किया गया है। इसे मामले च बिहार पुलिस 6 दिन पहला अमृतसर आई सी, पर सिद्धू वालों कोई भी जवाब नहीं दिता गया, जिस तो बाद अक्की हुई बिहार पुलिस ने हुण सिद्धू दे घर दे बाहर नोटिस लगा दिता है। स्टार कैनेडा टीवी लई अमृतसर तो हरजीत गरेवाल दी रिपोर्ट।